Hello friends, do subscribe and click on ring icon to get fast notification. वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर और जावा की इंस्टॉलेशन हम देखेंगे कि जावा का पाथ कैसे सेट करते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल किस तरीके से हम सेट करते हैं। तो यहाँ पर oracle.com और टेक नेटवर्क से आप जावा का एक प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं जो कि लेटेस्ट वर्जन है 9.0.4। इसे जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो इसके बाद जो भी आप इंस्टॉल करेंगे उस पाथ पर जाकर आप वहां से एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करेंगे। तो पहले तो हमें इसको डाउनलोड करना होगा, आप का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से उसको डाउनलोड करना है, उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। तो डाउनलोड होने के बाद ये आपको आपके डाउनलोड फोल्डर में आपको मिल जाएगा, जावा का जो भी आपने सेटअप डाउनलोड कराया ऑपरेटिंग सिस्टम से लिए। यहाँ पर इसे इंस्टॉलेशन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल में जावा नाम का फोल्डर आपको डिफॉल्ट दिखाई देगा अगर आपने कोई पाथ सेट नहीं करा है। बाय डिफॉल्ट जो सेट होगा वो सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में जावा फोल्डर का होगा। तो हमें इसी का बिन पाथ को सेट कराना है कि हम कहीं भी प्रोग्राम अपना सेव कराएं और वो जावा सी हमारा जो कंपाइलर है वो वहीं से ही प्रोग्राम को कंपाइल करा के रन करा दे। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जो पाथ आपको देख रहे हैं हमने उसे कॉपी करा है। कॉपी करने के बाद हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हम पाथ सेट नहीं करते और कमांड्स प्रॉम्प्ट के थ्रू हम अगर कंपाइल कराते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे हम विंडो के साथ आर दबाने के बाद cmd एंटर करने के बाद यहाँ से आप देखेंगे जावा सी, तो आप देख सकते हैं जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, क्योंकि अभी तक हमने एनवायरमेंट वेरिएबल के पाथ सेट नहीं करे हैं। तो पाथ सेट करने के लिए आपको जाना होगा कंप्यूटर के सिस्टम प्रॉपर्टी में और जाना होगा एडवांस सिस्टम प्रॉपर्टीज के अंदर, जहां पे आपको नीचे की तरफ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स दिखाई देंगे। उसके अंदर आप नीचे पाथ की तरफ जाएंगे और पाथ पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको कीबोर्ड से एंड की को प्रेस करना है जिससे आप लास्ट में आ जाएंगे उस लाइन के, और सेमी कॉलन लगाते हुए आप अपना जो भी पाथ कॉपी करा था उसे कंट्रोल वी से पेस्ट करा देंगे। तो ये पाथ एनवायरनमेंट में हमारा सेट हो चुका है और हम इसे ओके प्रेस करने के बाद अगेन यहां पर जाएंगे और चेक करेंगे जावा सी। तो यहां पे इसलिए एरर आ चुका है क्योंकि हमने ये पुराने ही सीएमडी पे करा था वर्क। अगर हम विंडो के साथ आर दबा के नया सीएमडी खोलते हैं और यहां पे जावा सी हम चलाते हैं तो आप देखेंगे कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर हमारे यहां पर रन हो चुका है, यानी कि अब हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे उस पाथ पे जाकर हम जावा सी से उसे रन करा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक प्रोग्राम बताना चाहता हूँ जो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। यहाँ पर हम नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस या किसी और भी एडिटर में अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। एक क्लास हम दे देते हैं जिसमें हम डेमो नाम का क्लास नेम दे देते हैं और पब्लिक स्टेटिक वॉइड मेन बनाते हुए यहाँ पर एक सिंपल सा एक वेरिएबल लेकर हम इसको यूज करना देखेंगे। बाकी चीज़ें तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे ही डिटेल में, फिलहाल तो हम एक डेमो देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने जो पाथ सेट करा है वहां से हम रन कराएंगे अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को। तो यहां से system.out.println लगाते हुए हमने यहां पर दे दिया है हेलो ए वैल्यू इज, जो भी हमने वैल्यू दी है वो हम यहां से दिखा देते हैं और इसे कंट्रोल एस से डेस्कटॉप पर सेव करा देते हैं demo.java के नाम से। तो जैसे ही हमने अपने प्रोग्राम की फाइल सेव करा दिया हम यहाँ से उस पाथ पर जाएंगे क्योंकि हमारी फाइल जो पड़ी हुई है डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है, और वहाँ जाने के बाद हम जावा सी और फिर से अपनी जो फाइल है demo.java यहाँ से कंपाइल कराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई एरर नहीं होगा तो हम उसे जावा के जरिए सिर्फ फाइल का नाम देने के बाद चला सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से हम पाथ सेट करेंगे और अपने प्रोग्राम्स को रन कराएंगे। रन आपको कराने के लिए उस पाथ पे जाना होगा। अब वो आप डी ड्राइव या सी ड्राइव में अगर अपने जावा को इंस्टॉल करते हैं तो फिर आप डी ड्राइव या सी ड्राइव पर जो फोल्डर बनाएंगे उसके अंदर आपका जावा सी वर्क करेगा। तो होपफुली आपको वीडियो क्लियर हुआ है। अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी के लेटेस्ट अपडेशन के लिए जिसमें हम प्रोग्राम्स को डीपली सीखेंगे, पहले हम कोर जावा से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद डीपली इस चीज को सीखेंगे।
तो बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।